अब हम बताएंगे आपको सर्वनाम किन्हें कहते हैं। ये संज्ञा और सर्वनाम दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। कैसे? कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर यूज होते हैं, जिन शब्दों को हम संज्ञा की जगह प्रयोग करते हैं, उन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। कैसे करते हैं? जैसे कि हम पहला एक सेंटेंस बताएं आपको, आज प्रिया का जन्मदिन है। प्रिया ने अपने सभी मित्रों को घर पर बुलाया। प्रिया अपने घर को सुंदर सजाएगी। प्रिया सुंदर फ्रॉक पहनेगी। प्रिया अपने मित्रों के साथ बहुत खुश होगी। अब एक चीज़ आपने नोट की कि यहाँ पे हर लाइन में प्रिया 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 आया हुआ है, तो ये बार बार प्रिया नाम लेना कुछ अटपटा सा लग रहा है ना? तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि आज प्रिया का जन्मदिन है। उसने, किसने? प्रिया ने। तो प्रिया की जगह कौन सा शब्द आया? उसने। तो उसने क्या हो गया? सर्वनाम, क्योंकि वो नाउन की जगह आया है। प्रिया एक नाम है, वो नाउन है और उसकी जगह हम लगा रहे हैं उसने, तो वो हो गया सर्वनाम। तो इसे कैसे बनाएंगे? उसने अपने सभी मित्रों को घर पर बुलाया। ठीक, नेक्स्ट है प्रिया अपने घर को सुंदर सजाएगी। अब यहाँ हम क्या बनाएंगे? वह अपने घर को सुंदर सजाएगी, तो यहाँ वह क्या हुआ? सर्वनाम। प्रिया सुंदर फ्रॉक पहनेगी, प्रिया की जगह क्या लगाएंगे हम? वह सुंदर फ्रॉक पहनेगी। प्रिया अपने मित्रों के साथ बहुत खुश होगी, तो प्रिया की जगह यहाँ क्या आएगा? वह अपने मित्रों के साथ बहुत खुश होगी। तो यहाँ देखिए, प्रिया है नाउन संज्ञा, और यहाँ प्रिया की जगह जो भी शब्द यूज हुए हैं वो सब हैं सर्वनाम। अब आपको क्लियर हो गया होगा, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम की ज़रूरत क्यों पड़ती है? हैं, हमें सर्वनाम की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि जब बार बार एक ही वो संज्ञा आ रही है किसी लाइन में, तब वो भाषा ना अच्छी नहीं लगती है। तो उस भाषा में जो शब्द संज्ञा की जगह आते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। उस भाषा को थोड़ा हमें ठीक करने के लिए सर्वनाम प्रयोग करते हैं हम। ठीक है, तो क्या हुआ? संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्व मतलब सब, नामों संज्ञाओं के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, है ना, उसका, उसकी, आदि। अब